इंडिया ने कल पाकिस्तान को हराया और आज पाकिस्तान को जिताया, क्योंकि अगर आज इंडिया हारता तो उसके साथ पूरा पाकिस्तान भी हारता। इंडिया कह रहा है कि अकेले फाइनल नहीं खेलूंगा, फाइनल खेलूंगा तो पाकिस्तान के साथ खेलूंगा। तो धन्यवाद, शुक्रिया इंडिया। तो आज इंडिया ने पाकिस्तान की सोई हुई उम्मीदें जगा दी हैं और पाकिस्तान दोबारा से अब फाइनल की दौड़ में दोबारा शरीक हो चुका है और श्रीलंका को सिर्फ हराना है और पाकिस्तान का संडे को मुकाबला होगा फिर से इंडिया से। तो थैंक्स टू इंडिया, इंडिया ने कर दिखाया जो पाकिस्तान चाह रहा था। यानी कि इंडिया ने कह दिया, इंडिया ने कहता कि हम आपसे डरते नहीं हैं, आप आ जाए। और पाकिस्तान जख्मी शेर को उन्होंने मौका दे दिया। वैसे भी जब जख्मी शेर को मौका दे दे तो पाकिस्तान आपको पता है कि मशहूर है, ये कहीं पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में मशहूर है। पाकिस्तान को अगर कोई मौका दे दे तो पाकिस्तान वो मौका बहुत बड़े तरीके से अवेल करता है। कहीं इंडिया गलती तो नहीं कर बैठा कि यहां पर पाकिस्तान को फाइनल खिलाए अपने साथ और पाकिस्तान को बदले का मौका दे दे। मुझे तो लगता है कि इंडिया ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है और अब पाकिस्तान आपको पता है जब बुरी परफॉर्मेंस देता है तो उसके बाद चैंपियंस लीग की तरह उठता है। और कल मुझे लग रहा है जब श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान खेलेगा तो नई एक श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तानी टीम नजर आएगी आपको, चेंजेस भी होंगी और फिर पाकिस्तान ने मेरा नजरें होंगी बदले पे। और एक खुशखबरी भी है कि पाकिस्तान के हारिस रूप को फिट करार दे दिया गया है सारे मैचों के लिए एशिया कप के, तो फिर ताकत वापस आ रही है पाकिस्तान। पहले मैच में तो खोई हुई एनर्जी और खोई हुई जो एक मोराल था वो वापस आ रहा है पाकिस्तान का। और आज जिस तरह श्रीलंका आ रहा है, श्रीलंका भी अब परेशान हो गया होगा कि उन्होंने भी बंगला मैच जीता है और पाकिस्तान तो पहले रेडी है, कॉर्नर टारगेट हो जाते हैं। और जब भी ये कॉर्नर टारगेट होते हैं ना तो ये कुछ ना कुछ धमाल करती है पाकिस्तान टीम का। आप जो है ना प्रीवियस रिकॉर्ड निकाल के देख लें, 92 वर्ल्ड कप से स्टार्ट कर लें, पूरा स्टार्ट करते हैं उसके बाद वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में देख लें इंडिया का बुरी तरीके से हारते हैं, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में वन साइडली फाइनल जो जीत जाते हैं। इसके अलावा कितनी मिसालें दें आपको। तो पाकिस्तान की टीम तो ऐसे ही है भाई, कभी बहुत आसमानों की परफॉर्मेंस है, कभी जमीन से भी नीचे की परफॉर्मेंस है, लेकिन जमीन के नीचे की परफॉर्मेंस है वो दे दी हुई है। अब सिर्फ उड़ान ही उड़ान है, इससे नीचे उतने इससे बस देखा नहीं जा सकता था। तो पाकिस्तान की जो उम्मीदें आज जगाई हैं इंडिया ने बोला है कि अकेले फाइनल नहीं खेलेंगे भाई, आपको साथ लेके जाएंगे। एक वक्त ऐसा आ गया था कि इंडिया ने डरा दिया था जब उनकी पार्टनरशिप लग गई थी। उनका यार जो नया प्लेयर आया ना श्रीलंका का, वैसे भी बड़ा कमाल का प्लेयर है वलेलंगे, बॉलिंग भी उसने कराई है, बैटिंग भी उन्होंने कराई है। बल्कि ESPN जो क्रिक इन्फो वेबसाइट है उसने तो एक ट्रोल भी किया, कह रहे हैं कि आज का मुकाबला श्रीलंका वर्सेस इंडिया नहीं था, आज का मुकाबला वलेलंगे वर्सेस इंडिया था। बेसिकली आपको पता होगा जब इंडिया से उम्मीदें लगाई है ना इससे नॉकआउट राउंड मैच में, तो इंडिया ने हमेशा हमें डिसअपॉइंट किया। आपको 2019 का इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया का मैच याद होगा जो इंडिया ने जानबूझ के हारा था और पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हुआ था। तो आज भी कुछ ऐसा लग रहा था कि इंडिया का मूड बन रहा है मैच हारने का, लेकिन इन दी एंड पता नहीं क्या होगा। फिर उनको बताया गया होगा कि अगर आज का मैच हारते हैं और बांग्लादेश के मैच में बारिश हो जाती है तो आप भी बाहर हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने जबरदस्ती ये मैच जीता है, इतनी फाइट करवाई है श्रीलंका से कि मैच बड़ा क्लोज ले गए थे। हालांकि वन साइडली जीतना चाहिए था इंडिया को ये मैच, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला हो चुका है। एक जो अपना रिजल्ट है वो पाकिस्तान के फेवर में आ चुका है। अब गेम पाकिस्तान के अपने हाथ में है, बारिश ना हो तो श्रीलंका को हराए और फिर मुकाबला करें इंडिया से दोबारा से फाइनल में और दिखा दे कि एक हमारा बुरा दिन था और उसके बाद हम वापसी की पूरी पूरी सलाहियत रखते हैं और फाइनल में फिर पाकिस्तान का मुकाबला होगा दोबारा से और इस बार इंडिया को हम हराएंगे। इस बार तो नहीं छोड़ेंगे इंडिया को, क्योंकि बदला लेना है। जब बदले की आग हमारे में भर जाती है ना तो फिर हम न्यूजीलैंड को भी नहीं छोड़ते, आपको होता है इंग्लैंड को भी नहीं छोड़ते। फिर बदला जब लेने की बारी आ जाए ना तो फिर बदला तो हम लेते हैं और इस बार हम बदला लेने की पोजीशन में। पहले जितने एक्साइटमेंट हुए पड़े जितने आपने लगता है श्रीलंका वाला मैच स्किप कर दिया भाई, श्रीलंका को हमने भी झेलना है जिस तरह इंडिया ने झेला है। श्रीलंका की टीम मजबूत है, श्रीलंका को भाई कल तो हमारी उम्मीदें बिल्कुल ना पहले आंखों के सिर्फ काली काली पट्टियां आ रही थी, नजर ही कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आज हमारी उम्मीदें दोबारा से जाग पड़ी है। मुझे तो दोबारा बाबर का हाथ जो है वो एशिया कप के पकड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान श्रीलंका को भी हराए और उसके दो मैच हम जीतने और एक सेमीफाइनल है और एक फाइनल है, क्योंकि सेमीफाइनल अब श्रीलंका के खिलाफ बन चुका हुआ है। तो बारिश होगी, अगर सेमीफाइनल में बारिश होगी तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। तो मौसम बड़ा खराब है, 90% चांसेस ऑफ रेन है और हमेशा पाकिस्तान की बारी जो मैच में ये रेन कहां से आ जाती है यार, बड़े जबरदस्त मैच रेन तो आज भी थी। देखिए पहले बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हुआ, बिल्कुल रेन नहीं हुई श्रीलंका, जब श्रीलंका के अपने मैच होते हैं ना तो वहां के जो बादल है वो बरसते नहीं है। बादल भी लगता है मैच देखते हैं वो पूरा मैच को एंजॉय करते हैं, लेकिन जब दूसरी टीम खेल रही होती है उनको मजा नहीं आता तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये काम अब नहीं चलेगा, क्योंकि आज भी 90% चांस ऑफ रेन था तो बारिश नहीं हुई थी। तो भाई परसों भी बारिश नहीं होनी चाहिए, मैच होना चाहिए और मैच होगा तो पाकिस्तान श्रीलंका को हराएगा और जब श्रीलंका को हराएगा तो पाकिस्तान इंडिया का फाइनल आएगा और जब पाकिस्तान इंडिया का फाइनल आएगा तो हम इंडिया को हराएंगे, बदला लेंगे और हम शायद लेंगे ना, बहुत एक्साइटेड हम नहीं छोड़ेंगे इंडिया को दोबारा से उसी जोश से। पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी उनको दोबारा हमारी दुआओं की जरूरत है और जब
अगर खुदा ना ऐसी बड़ी दोबारा से परफॉर्मेंस आ गई तो फिर हम पक्की पक्की तलाक लेंगे, लेकिन फिलहाल हम खुला कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम से, हम इनको छोड़ नहीं रहे, इनकी सपोर्ट को नहीं छोड़ रहे, और दोबारा हमारा जज्बा जगा दिया इंडिया ने, आज हमारा जज्बा जगा दिया दोबारा, बोल लिया आपने। अच्छा मैं ये कह रहा था कि यार देखे इंडिया जो टीम ना उसने हमें एक चांस तो दे दिया है, लेकिन अब हमारी सारी जिम्मेदारी बन गई, इंडिया ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया, हां पैरों पे कुल्हाड़ी बज गई है, लेकिन बेसिकली वो समझ नहीं रहे कि उन्होंने कर क्या लिया। आज अगर वो हारते ना तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता था, क्योंकि पाकिस्तान ने यहीं से बाहर हो जाता, लेकिन अब जो है उनको पता है कि दोबारा से उनको शहीन को खेलना पड़ेगा, दोबारा से उन्होंने हारिस बाबू को खेलना पड़ेगा, दोबारा से हमारा इमामुल हक नंबर वन जो बैटिंग में आते हैं, फिर फखर है हमारे पास, बाबर है, तो ये जो नहीं चले ना अब इन्होंने चलना है, क्योंकि अब इनको पीछे से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं चले तो फिर हम चल जाएंगे, इनको चलना पड़ेगा, बदला लेना पड़ेगा, तुमको करना होगा, तुम्हें करना होगा, क्या नाम था उनका, कांचा, कांचा, इसी एक्साइटमेंट के साथ वीडियो को खत्म करना होगा, इसी एक्साइटमेंट के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी करते हैं, बहुत ख्याल रखिएगा, अब पाकिस्तानियों मौका मिल गया, अब कोई गंद नहीं देखना, अब कोई गंद नहीं मारना अपने।